तो देखिए तीन तस्वीरों के जरिए आपको वहां की स्थिति समझाने की कोशिश लगातार। संजौली मस्जिद अवैध है, अवैध निर्माण है, इसी की मांग को लेकर इस अवैध निर्माण को हटाया जाए। आज इसी मांग को लेकर ये तमाम प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश इनकी अवैध मस्जिद की ओर कूच करने की थी, लेकिन पुलिस की व्यवस्था, व्यापक प्रबंधन, जहां बैरिकेटिंग कर उन्हें वहीं रोक लिया गया। लेकिन आप देखिए कि यहां पर लोगों का आक्रोश और उनकी नाराजगी इतनी है कि बैरिकेटिंग तक तोड़ डाली। वाटर कैनन का यहां इस्तेमाल किया जा रहा है, बावजूद उसके लोग तितर बितर नहीं हो रहे, वहीं पर एकजुट हैं। लाठीचार्ज तक किया गया, बावजूद उसके आप देखिए शिमला की सड़कों पर आज की ये तस्वीर। तो ये तीन तस्वीरें बयां कर रही हैं शिमला में इस वक्त क्या हालात है, ये मामला कितना ज्यादा आगे और बढ़ता नजर आ रहा है। हिंदू संगठन के तमाम लोग यहां मौजूद हैं, कई ऐसे सामाजिक संगठन भी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, स्थानीय लोग भी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। शिकायतें इस मामले को लेकर लगातार बढ़ रही हैं। अब बेकाबू भीड़ ने किस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ी और इसी की आड़ में छिपकर वाटर कैनन से भी बचने की कोशिश कर रहे थे, सड़कों पर बैठ गए हैं, जम गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये इस वक्त शिमला में हालात। लेकिन ये मामला वाकई बेहद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस के तमाम जो इंतजाम है वो इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं। ना लाठी चार्ज से यहां पर इन लोगों पर असर पड़ रहा है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी सड़क लबालब भरी हुई है। कई संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं, कई सामाजिक संगठन इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। स्थानीय लोग भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाकर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो अवैध मस्जिद के विरुद्ध ये शिमला में धर्मयुद्ध की तस्वीर आप तीन तस्वीरों के जरिए समझिए इस वक्त शिमला के हालात। किस तरह से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां तक बरसाई, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया, बावजूद उसके कोई भी तितर बितर और अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। बैरिकेडिंग तक हटा ली गई है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, लेकिन बेहद मुश्किल हो रहा है इस बेकाबू भीड़ पर काबू पाना। तो शिमला में ये संजौली मस्जिद के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, अवैध निर्माण है संजौली मस्जिद, ये अवैध है। इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द हटाया जाए। मामला बेहद पुराना है, लेकिन हाल ही में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद इस मामले में ने और तूल पकड़ा और आज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन देखिए, लेकिन फिलहाल जो अभी के हालात हैं, लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ी हुई है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, एहतियातन पहले से ही तमाम यहां पर इंतजाम कर लिए गए थे, बावजूद उसके भी आप देखिए लोगों में गुस्सा किस कदर बना हुआ है। तो अवैध मस्जिद के विरुद्ध आप देख सकते हैं अवैध निर्माण के खिलाफ ये हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के शिमला से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह यहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बेकाबू भीड़ पर काबू पाना इस वक्त पुलिस के लिए बेहद टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लाठी चार्ज तक किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन लोग अभी भी डटे हुए हैं और ये भीड़ और बढ़ती जा रही है। अवैध मस्जिद की तरफ कूच कर रहे थे ये लोग, इन्हें किसी तरह से रोका गया, लेकिन देखिए अभी भी बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए लोगों की तस्वीरें। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बड़ी संख्या में ये लोग आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग्स यहां पर की गई हैं, बावजूद उसके बहुत मुश्किल है इस वक्त इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना।
बैरिकेटिंग हटा दी गई, वाटर कैनन से बचने के लिए इन्हीं बैरिकेटिंग का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये मामला अब आगे और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई संगठनों ने दूसरे जिलों में भी ज्ञापन सौंप दिया है, इसी तरह के प्रदर्शन की चेतावनी आह्वान कर दिया है। तो मामला यहां इस वक्त ये सिर्फ एक जिले तक नहीं रहेगा। तो हिमाचल के आप शिमला से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से जनता आज यहां पर सड़कों पर नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक की बैरिकेटिंग तोड़ डाली। मामला ये पुराना है, लेकिन शुरू हुआ है दो समुदायों के झगड़ों के बाद से, और ज्यादा तूल तब से पकड़ा और तभी से इस अवैध निर्माण को हटाने की मांग लगातार यहाँ के लोगों की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि कई और भी शिकायतें यहाँ से आने लगी थी, जिसके खिलाफत में आज आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं, लोगों की नाराजगी देख रहे हैं, उनका उग्र होना देख रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बावजूद, लाठी चार्ज तक होने के बावजूद भी आप देखिए भीड़ टस से मस नहीं हो रही है, और लोगों की नाराजगी इस वक्त पुलिस व्यवस्था पर भारी पड़ती नजर आ रही है। शिमला में संजौली मस्जिद के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन। तो इन तीन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से इस वक्त हालात शिमला में बने हुए हैं। तो शिमला में आज जनता किस तरह से सड़कों पर है, अवैध निर्माण के खिलाफ, अवैध मस्जिद के खिलाफ ये नाराजगी लोगों की इस कदर बढ़ी हुई है कि आप देख सकते हैं पुलिस के व्यापक इंतजाम थे, अपनी तरफ से पुलिस पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन लोगों की नाराजगी आज उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। खूब नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, पानी की बौछारें तक यहाँ पर छोड़ी जा रही है, वाटर कैनन का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस भीड़ को तितर बितर करना, इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला से आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें। अवैध मस्जिद की ओर कूच करना चाह रहे थे तमाम ये प्रदर्शनकारी, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया, लेकिन अभी भी लगातार ये लोग वहीं डटे हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी आप शिमला से देख रहे हैं, लोगों की भारी संख्या इस वक्त, नाराजगी भी उतनी ही भारी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि मामला यहाँ पर अवैध मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से धर्म युद्ध यहाँ पर छिड़ गया है, मामला यूं ही शांत होने वाला नहीं दिख रहा। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें जानकारी के लिए कि आप ये शिमला से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें शिमला से कभी ही आई होंगी, लेकिन आप देखिए कि लोगों में कितनी भारी नाराजगी है इस अवैध निर्माण को लेकर, अवैध मस्जिद को लेकर। लंबे समय से वो मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन आज उनका गुस्सा किस कदर फूटा है ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, किस तरह से जनता की नाराजगी, जनता जो सड़कों पर मार्च करती नजर आ रही है। सीधा सीधा ये मामला अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन, जिसमें लाठियां तक भांजी गई, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस भीड़ पर काबू पाना बेहद मुश्किल
पुलिस के लिए साबित हुआ है। तो हिमाचल के शिमला से आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें, लगातार लोग अपनी ही जगह बने हुए हैं, नारेबाजी यहां पर हो रही है और पुलिस की भी आप देख सकते हैं, पुलिस के जवानों की संख्या भी और बढ़ा दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 पर आप ये देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से। तो मामला ये संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर है, अवैध मस्जिद है, इसे हटाया जाए, इन्हीं तमाम मांगों के साथ आज ये तमाम हिंदू संगठन आज एकजुट होकर ये प्रदर्शन करते नजर आए। धारा 163 यहां पर लगा दी गई है, बावजूद उसके आप देखिए कि किस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और लगातार अब ये प्रदर्शन और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, बैरिकेटिंग तक हटा दिए गए हैं, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं। हालांकि शिमला पुलिस की तरफ से यहां प्रदर्शनकारियों को संजौली पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग की थी, बावजूद उसके ये तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए। और देखिए अब ये लाइव तस्वीरें, लगातार यहां नारेबाजी हो रही है, अपनी उन्हीं मांगों के साथ ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। और जिस जगह ये लोग यहां पर जिन्हें रोका गया है, यहां से 50 मीटर की ही दूरी पर वो संजौली मस्जिद है, जिसमें अवैध निर्माण के खिलाफ आज ये तमाम संगठन एकजुट हुए हैं।